कुछ फैशन के फंडे के बारे में जानना चाहिए। मैं फैशन से बहुत दूर दूर तक हूँ, लेकिन फैशन का एक रिश्ता मुझे ज़रूर पता चलता है कि आप गानों के ऊपर, आपको डांस करना नहीं होता, सिर्फ चेहरा चलाना होता है ब्लैंक पोकर फेस से, तो ये बहुत डांस से कनेक्टेड है। मेरे साथ जो होता है कोरियोग्राफी, मैं वही करता हूँ, मैं फेस पे पोकर रख के एक्सप्रेशन देता हूँ, जिसकी वजह से गाने हिट होते हैं मेरे। तो कहीं हद तक फैशन और डांस का कॉम्बिनेशन मेरा ज़्यादा अच्छा है। जैसे लास्ट बाजीराव मस्तानी मल्लारी सॉन्ग की बात करें, मेरा, मैं कोरियोग्राफी में बहुत ही ईजी हूँ। मैं जो कोरियोग्राफी करता हूँ बहुत आम लोगों के लिए करता हूँ, जो आम लोग है जो मतलब डांस स्टेप्स को 4 या 8 बीट पे नहीं कोरियोग्राफ करें, वो जो उनके दिल में आता है, जो मतलब हर पार्टी में, हर डिस्को में, हर फंक्शन में बहुत ईजीली कर सकते हैं। अगर आप मल्लारी सॉन्ग अभी देखोगे तो सिर्फ ये मूवमेंट है, ये कोई भी कर सकता है, चाहे ततर ततर में ये देखो या हवन कुंड देखो। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं कोरियोग्राफी में इतने सिंपल स्टेप करूँ कि हर बच्चे से लेके बुज़ुर्ग इंसान उस स्टेप को करें। आने वाले प्रोजेक्ट में है बार बार देखो आ रही है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ की दुल्हनिया आ रही है, और बहुत सारी लाइनअप फिल्में हैं, तो ये अभी फ़िलहाल तो यही है। आपने बहुत सारे लोगों को कोरियोग्राफ किया है, आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट ऑलमोस्ट 25-30 साल से गोविंदा, और गोविंदा ही रहेगा। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.